सो गाइस यहाँ पे देखो एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, इसका नाम तो आप लोगों ने शायद सुना ही नहीं होगा कभी। देखो और गाइस सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है आप लोग? देखो इस वाले गाड़ी में आपको मिल रहा था तभी 2-2 मीटर कंसल आपको मिल रहा था। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत सुंदर है। आपको एम्पियर मीटर यहाँ पे मिल रहा था, आपको यहाँ पे फ्यूल गेज दिखने को मिल रहा था, जो कि रॉयल एनफील्ड ने बाद में गायब ही कर दी थी फ्यूल इंडिकेटर देना। सो फाइनली गाइस हम बालेश्वर होने वाले हैं। गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ ना तो सही से शायद फ्यूल नहीं जा पा रही कार्बोरेटर को, स्टार्ट ही बंद हो रहा है। कैसे हैं आप सब? दिस इज ए वेरी फ्रेश वाला ब्लॉग। तो गाइज आज हम जाने वाले अभी बालेश्वर जाने वाले और रीज़न कुछ खास नहीं है। तो थोड़ा सा गाइज दिक्कत आ चुका है ये वाले गाड़ी में। ये जो मेरा गाड़ी है थंडरबर्ड 350X है और इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है तो वो आज मुझे सही कराना है, तो आपसे कुछ बात बताना है। तो गाइज़ गाड़ी में आ चुका है कुछ दिक्कत। सबसे पहला जो दिक्कत है गाइज वो ये है कि जब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ ना तो सही से शायद फ्यूल नहीं जा पा रही कार्बोरेटर को, स्टार्ट ही बंद हो रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा क्लच पकड़ के स्टार्ट कर रहा हूँ तो यार हाँ सही से काम कर रहा है, फिर भी यार अच्छा नहीं लगता है ऐसे कि हर बार क्लच पकड़ के स्टार्ट करो। स्टिल गाइज ये थोड़ा सा मिसिंग प्रॉब्लम भी हो रहा है और ये सब दिक्कत मुझे गाड़ी वॉश कराने के बाद ही हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ गाड़ी वॉश कराना एक पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग ये सब हो रहा है। इससे पहले भी मैंने जब सिमिल पास आ रहा था तो एक वॉशिंग पॉइंट में गाड़ी दिया था वॉश कराने के लिए, तब भी गाइज ये प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ था और अभी भी गाइज वही प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है। तो सोच रहा हूँ कि इसको फिक्स करना है अभी। तो इसको कहाँ से फिक्स करेंगे? तो फिक्स करने के लिए गाइज हमें जाना पड़ेगा बालेश्वर। और बालेश्वर में गाइज शिपू भाई है और अगर आपको शिपू भाई कौन है पता नहीं है अभी तक तो गाइज आपको क्या बताऊँ। ही इज़ वन ऑफ दी मोस्ट टैलेंटेड मैकेनिक ऑफ रॉयल एनफील्ड इन बालेश्वर। वो बालेश्वर और बारीपदा, बारीपदा का भी नाम ले सकते हो। बालेश्वर और बारीपदा, बालेश्वर और बारीपदा में शिपू भाई जैसा तो कोई मुझे नहीं मिला है रॉयल एनफील्ड का काम करने वाला बंदा। तो खैर अभी हम जाने वाले हैं वहाँ पे। अभी मौसम देखो सही है, इतना आसमान में बादल नहीं है। तो अभी हम जाने वाले हैं वहाँ पे, गाड़ी को सही कराना है मुझे और थोड़ा सा मोर हाइपर में भी घुसेंगे, वहाँ पे कुछ सर्विंग वर्विंग कराना है, तो उसके बाद सीधा आएंगे घर। तो चलो गाइज सबसे पहले चलते हैं क्योंकि टाइम अभी हुआ है 1:05। तो लेट नहीं करेंगे, सीधा निकलेंगे भाई और क्या। चलो मिलते हैं फिर से आपको मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में। सो फिलहाल गाइज मैं अपना टाउन में हूँ और ये है बैसिंग का टाउन, आपको पहले से ही मैं दिखा चुका हूँ अपना टाउन। तो बस यहाँ से हम जाएंगे बालेश्वर सीधा। और गाइज और एक प्रॉब्लम भी मुझे अभी पता चल रहा है गाड़ी में है मेरा, एंड वो प्रॉब्लम यही है कि चैन से एक ठक ठक करके आवाज़ आ रहा है। तो इससे पहले भी ये आवाज़ आ रहा था, तो मैंने फिक्स भी किया था, वही शिपू भाई से किया था, लेकिन तब शिपू भाई ने बताया था कि चैन का जो लॉक होता है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो वो मैंने चैन लॉक रिप्लेस किया था, नया वाला डाला था। फिर से आज आवाज़ आ रहे हैं। उनके कहने के मुताबिक वो 3-4 महीना चल जाता आराम से, लेकिन 3-4 महीना क्या भाई, 15 दिन भी नहीं हुआ है फिर से आवाज़ आ रहा है और बहुत तेज़ी से भी आवाज़ आ रहा है। शायद आपको वो वाला आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि हेलमेट के अंदर मेरा माइक है और एक्सटर्नल ऑडियो बहुत काम में कैच कर रहा है और मैं आपको खड़े होकर भी ये सुना नहीं सकता हूँ। तो बस हम समझ लो कि एक ठक ठक करके आवाज़ आ रहा है चैन से भी। ये चैन से आ रहा है कि चैन स्प्रॉकेट से आ रहा है आई डोंट नो, लेकिन वही चैन सिस्टम से ही आ रहा है। अपन को फील भी हो रहा है यार जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना ठक 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 करके। तो अभी मुझे 2-2 प्रॉब्लम फेस हो चुका है अपने गाड़ी में। सबसे पहला वाला प्रॉब्लम है ये जो मिसिंग वाला प्रॉब्लम। भी मैं वॉश कर रहा हूँ ना गाड़ी अपना तो उसके बाद भाई वो मिसिंग वाला प्रॉब्लम हो रहा है और भाई उसका तो एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए क्योंकि गाइस हम राइड करने वाले हैं पूरी जगन्नाथ धाम को, जल्दी ही राइड करने वाले हैं। ये एक आप लोगों के लिए एक अनाउंस भी किया हूँ रोड ट्रिप के बारे में। तो अगले जो ट्रिप आ रहा है गाइस वो होगा पूरी जगन्नाथ धाम को, 2 दिन का ट्रिप है। तो पूरी भी यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर है, इतना बड़ा नहीं है हमारे लिए लेकिन ये हमारा एक ट्रिप रहेगा। और क्या मोटर ब्लॉग में ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा, आप लोग बोर होते हो मोटर ब्लॉग देख के मेरा। तो चलो वीडियो के यहाँ पे पॉज करता हूँ, बालेश्वर पहुँच के सीधा वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। फिलहाल गाइस मैं हूँ बालेश्वर के टाउन के अंदर। तो शिपू भाई का जो शॉप है वहाँ यहाँ से बहुत पास में ही है, तो आपको पूरा लोकेशन भी बता दूँगा मैं। तो गाइस ये देखो ओवरब्रिज बालेश्वर का। अपना लक बहुत बढ़िया है। देखो आते ही ट्रैफिक ग्रीन हो गया है। What the hell? What the hell? स्टिल गए, थोड़ा सा मार्केट आज जाम है, ट्रैफिक बहुत ही जाम है लौड़ा। तो आगे जाके हमें लेफ्ट लेना होगा, लेफ्ट लेने से ही सिपाही का शॉप मिलेगा हमें। यहाँ पे देखो अपन को मिलेगा जावा और यदि का शोरूम, सीधा यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट। देखो कितना बढ़िया बढ़िया गाड़ी आके खड़ा हुआ है यहाँ पे। अबे यार ये रास्ता चल रहा है क्या? एम्प्टी जगह भी रखी जो है गाड़ी को नहीं है वो दीदी देख रहे थे कि कहीं मैं उनके गाड़ी को टोक नहीं दूंगा। भाई ऐसे कैसे होगा यार, हमें भी बुरा लगता है। अगर हमारे बाइक या फिर हमारे कार को कोई ऐसे ठोक के चला जाता है तो भाई हम कैसे करेंगे वो काम, हम ना करेंगे दीदी, आप टेंशन फ्री में रखो। देखो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, बासंती रॉयल एनफील्ड पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हमें निकालना पड़ा अपना पहला वाला जो चेन स्प्रॉकेट होता है, फ्रंट चेन स्प्रॉकेट को, उससे गाइज काफ़ी ज़्यादा मैला निकला और उससे गाइज हमारा तो जो चेन में ठक ठक करके प्रॉब्लम आ रहा था ना साउंड, वो तो सॉल्व हो गया। लेकिन गाइज कार्बोरेटर हमें साफ करना पड़ा अपना मिसिंग प्रॉब्लम को सही करने के लिए। तो गाइज सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे जाके ना एक बढ़िया सा विंटेज बाइक भी देखा। तो चलो आप ये वाला वीडियो क्लिप देखो, इसमें मैं डिस्क्राइब भी कुछ किया हूँ। सो गाइज यहाँ पे देखो एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और इसका नाम तो आप लोगों ने शायद सुना ही नहीं होगा कभी। देखो लाइटनिंग 535, ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से आ रहा था। फ़िलहाल यहाँ पे एनफील्ड का सिर्फ बैजिंग है, दैट मीन्स कि ये इंग्लैंड का बना हुआ है, तभी रॉयल एनफील्ड नहीं हुआ करता था, ये इंग्लैंड में बना हुआ था। और इसका कंडीशन अभी सही है, लेकिन ये गाड़ी का थोड़ा कुछ ख़राब हुआ है पार्ट्स, इसीलिए ये यहाँ पे आकर पड़ा हुआ है। तो उसी भाई ने इसको सही करके फिर से देंगे भाई। जो ओनर होगा वो कितना लकी होगा सोचो, उसके पास एक विंटेज बाइक अभी भी है। सो सेम टू सेम आपको ये रॉयल एनफील्ड क्या थंडरबर्ड जैसे लगेगा, थंडरबर्ड जैसा लगेगा, एक्स जैसा नहीं, थंडरबर्ड जैसा लगेगा देखने में। बट गाइस बाइक का लुक बढ़िया है मेरे हिसाब से, और थोड़ा सा हाइट भी इसका ज़्यादा है शायद थंडरबर्ड से, बढ़िया दिख रहा है भाई गाड़ी। और गाइस सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है आप लोग? देखो इस वाले गाड़ी में आपको मिल रहा था तभी 2-2 मीटर कंसल आपको मिल रहा था। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बहुत सुंदर है, आपको एम्पियर मीटर यहाँ पे मिल रहा था, आपको यहाँ पे फ्यूल गेज दिखने को मिल रहा था, जो कि रॉयल एनफील्ड ने बाद में गायब ही कर दी थी फ्यूल इंडिकेटर देना। और इसका कुछ वाइब भी तब अलग होगा, मुझे तो इस वाले गाड़ी का कुछ फ़ोटो भी मेरे सामने नहीं आया था, मैं आज ही देख रहा हूँ पहली बार इसको। और काफ़ी सुंदर लग रहा है यार, सिमिलर लग रहा है मुझे थंडरबर्ड जैसा, लेकिन इसका थोड़ा सा हाइट शायद ज़्यादा है यार। वेट भी थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, वेट भी ठीक ठाक है भाई, गाड़ी मस्त है फिलहाल। तो यह था रॉयल एनफील्ड की तरफ से, सॉरी एनफील्ड की तरफ से लाइटनिंग 535, बढ़िया। हाउ गाइस प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया है। तो ये जो आगे जा रहे हैं दोनों, ये बढ़िया सा काम किए मेरे बाइक के साथ। पीछे जो बैठे हुए हैं वो है सिपू भाई, और आगे जो है भाई बहुत बढ़िया, उनके साथ पहली बार मिला लेकिन अच्छा लगा, दूसरी बार ये मिला, पहली बार नहीं। और वो बहुत जल्द भूसा लाने वाले हैं, हायाबूसा। 8 तारीख को उनका भूसा आ रहा है। और भाई गाड़ी मस्त चली है अभी, मतलब वो जो पिकअप का इशू था, वो जो मिसिंग का इशू था, सब कुछ अब सही आ रहा है, सब कुछ अभी सही है। बहुत खुश लग रहा है फिलहाल। तो पूरी जाने का प्लान है, उससे पहले सब कुछ सही करना होगा मुझे गाड़ी का, तो यही सोच के मैंने लाया था शिबू भाई के पास, तो सही हुआ, काम हो गया। और भाई आपको मैं एक क्लिप भी दिखाने वाला हूँ, अभी देखो चेन पॉकेट में कितना सारा गंदा चीज़ लगा हुआ था, कितना सारा मैला वहाँ पे लगा हुआ था। रेड लाइट एंड मी, भाई जल्दी से ग्रीन हो जा। बढ़िया, और गाइस गाड़ी पूरा एकदम रॉकेट हो गया है अभी, पिकअप भी इंक्रीज हो गया है। अब गाइस चला के मज़ा आ रहा है बस, और जो ढक 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 करके आवाज़ आ रहा था जेंट्स पॉकेट से, भाई वो भी सही हो गया है। शिबू भाई हाथ हिला रहे हो भाई, बढ़िया मस्त लोगे भाई। खैर छोड़ो, अभी ठीक ठाक हो गया है सब कुछ। हम निकलेंगे घर। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताओ, एक छोटा सा ब्लॉग था, आशा करता हूँ कि गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और शेयर करो ये वाला वीडियो को 3 दोस्तों के साथ अपने, तो जिनके पास बुलेट है तो भाई उनको शेयर करना ही करना, और क्या बाकी सब बढ़िया। मिलते हैं अगले कई एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए वेरी गुड बाय।